नेक्स्ट इंडिकेटर हमारे पास है एनवेलप्स, ठीक है। इसकी सेटिंग्स वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करनी, जस्ट अप्लाई करके छोड़ देना है। अब इसमें मार्केट में देखो, ये हमने छोटा किया, ठीक है। अगर इसमें ये कब अप्लाई होगा ये नहीं, सिंपल मेथड यहाँ पर देखो, जिस भी मार्केट में एनवेलप्स की जो इंडिकेटर है ये इस तरह से बड़ी बड़ी खुली लाइन हो, उसमें ये बेस्ट वर्क नहीं करेगी, स्किप कर दोगे। और जिसमें इस तरह छोटे छोटे हुए तब भी इसमें वर्क नहीं करेगी, इसमें भी स्किप करना है, लाजमी याद रखो, ठीक हो गया। अभी जिसमें इस तरह नॉर्मल होंगे, नॉर्मल जैसे बोलिंजर बैंड, जिस तरह नॉर्मल बोलिंजर बैंड में लाइन थे, नॉर्मल लाइंस हो गए, उसमें फिर आपकी वर्क करेगी। पर वर्क करेगी मार्केट में सिर्फ जिगजैग मार्केट में, कौन सी में, सिर्फ जिगजैग मार्केट में, याद रखो। जिगजैग की मार्केट के अलावा ये कोई भी मार्केट में वर्क नहीं करेगा। वर्क किस तरह करेगा जिगजैग, अभी ये ट्रेंड है ना, इसमें वर्क नहीं करेगी। यहाँ जिगजैग हो गया, इसमें वर्क करेगी वही रूल, कैंडल अगर ऊपर क्रॉस करे 10-30% डाउन की शुअर शॉट, नीचे क्रॉस करे 10-30% बुलिश की शुअर शॉट। सिंपल, कभी अप की लगाओ ट्रेड, कभी डाउन की, बट मार्केट सिर्फ जिगजैग। यहाँ पर अभी देखो साइडवेज जिगजैग हो गया, ये ट्रेंड था इसमें वर्क नहीं करेगी, ये बैक टू बैक ट्रेंड हो गया इसमें भी वर्क नहीं करेगी, ये बैक टू बैक ट्रेंड हो गया इसमें भी वर्क नहीं करेगी। सो बैक टू बैक ट्रेंड में वर्क नहीं करेगी, वर्क करेगी सिर्फ ओनली एंड ओनली जिगजैग मार्केट में, हमेशा याद रखो, ठीक हो गया। ये रहा हमारा एनवेलप्स इंडिकेटर भी हो गया, सिंपल रूल है इस पर ट्रेड लेने की।